तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं दोहाई RRTS स्टेशन पर। दोस्तों आप अभी देख लो, आज है 15 तारीख और आप लोगों को बता दो 20 तारीख के बाद में इसी जगह का आप लोगों को फिर अपडेट देने के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों देखो यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा था, अब बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और देखो साइडों में जो पार्किंग है वो भी कंप्लीट कर लिया जा चुका है और मेरे बगल में ही है ड्रीजिंग लैंड, वहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं। देखो सारा ही काम ख़त्म हो गया, बस फिनिशिंग का ही काम बचा है और इसका 20 तारीख में साई बाबा से लेकर दोहाई के बीच में इसका मुहूर्त किया जाएगा। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे दोस्तों। 17 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों, यानी कि पैकेज बन, तस्वीरें देख सकते हो दोनों साइड में ये रोड बन गई है और इसका फिनिशिंग का बस काम चल रहा है दोस्तों। 20 तारीख तक ये कंप्लीट होना है और 20 तारीख के बाद में फिर आप लोगों को इसी जगह का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अभी देख लो और फिर 20 तारीख के बाद देखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, दूसरा यह है एंट्री एग्जिट पॉइंट जो बनाया जा रहा था, पहला वो था, दूसरा यह है। तो इस पे भी देख लो, जो पार्किंग एरिया था वो नहीं बना था, यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए थे जहाँ पर ये खंभा था चमक रहा है। अब देखो यहाँ पर ये सारे बाइकर खड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन वाले जो कि इसमें ब्लॉक टॉप कर रहे थे। दोस्तों देखो सारी पार्किंग भी बन के कंप्लीट हो गई, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। देखो दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये रहा, देखो ये भी बन के कंप्लीट हो गया, वो सामने वाला तो पहले ही हो गया था दोस्तों। कुछ ऐसा है ये दोहाई RRTS का स्टेशन दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और चलेंगे आज हम आप सभी को लेकर कहाँ पे, मुरादनगर RRTS का स्टेशन दिखाएंगे चल के। जो OHE वायर का काम करना कंप्लीट रह गया था बाकी, वो भी हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों देख सकते हो दोनों साइडों में ही ब्लैक टॉप अभी किया जा रहा है, रोड को बनाया जा रहा है, अब इस पर लैंड मार्किंग कर दी जाएगी और बस फिनिश हो जाएगा काम। तो 20 तारीख से पहले सारा काम इन्हें बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, दोहाई से लेकर और साहिबाबाद के बीच तक का जितना काम रह गया वो सारा कंप्लीट करना है ना बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो दिन रात काम को निपटाने में लगे हुए हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को बताते हैं कि ये श्री नरेंद्र जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये क्या, ये सपनों की रेल है दोस्तों भाई साहब। इसीलिए उन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि ये कब कंप्लीट करें हमारे देशवासी और कब मैं आप जनता, मेरे देश की जनता के लिए खोला जाएगा। दोस्तों देख सकते हो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। ये लेफ्ट वाली लाइन चली जाती है दोहाई डिपो के अंदर, राइट वाली लाइन चली जाती है दोस्तों सीधी मेरठ के लिए, मेरठ में जाके ये ऐड हो जाता है। 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों अंडरग्राउंड है और 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों एलिवेटेड हिस्सा है जो कि आप लोग देख रहे हो। और ये हमारे NCR का ये एलिवेटेड आ जाता है क्या, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है दोस्तों हमारे NCR का। इस पे आप चढ़ जाओ कहीं से भी और कहीं जाके निकल सकते हो, जहाँ भी आपको जाना है दोस्तों, इतना बेहतरीन बना हुआ है। और देख सकते हो ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर इसको क्रॉस कर रही है ईस्टर्न पेरिफेरल को दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप लोगों को मुरादनगर का व्यू। Thank you.
आपातकालीन के लिए ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर ये काम चल रहा है जेसीबी का, ये आपातकालीन के लिए है दोस्तों। जैसे कोई दिक्कत हो जाती है, कोई तकनीक, कोई ख़राबी हो जाती है, तो यहाँ से जनता को उतारने के लिए दोस्तों ये एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से कई सारे देखने के लिए मिलेंगे आप सभी को आगे भी, तो बस बने रहो इस वीडियो के एंड तक आप सभी।
दोस्तों ये हम आ चुके हैं मुरादनगर RRTS के स्टेशन, वो सामने चमक रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, जो प्लेटफॉर्म लेवल है उस पर जो रूफ टॉप बनाया जा रहा है उसका स्टील का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो बनाने का काम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं स्टील का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था रूफ टॉप का दोस्तों, देखो आप लोग, क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस ये रूफ टॉप बनाया जा रहा है और दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है, वो आप लोगों को दिखाते हैं चल के। जब मैंने पिछले अपडेट दिया था आप सभी को तब में और अब में कितना अंतर है। किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो, उस साइड का भी देखो बना लिया जाएगा, मतलब कि स्टेशन से जोड़ दिया है देख सकते हो वो वॉकवे, और इस साइड भी जोड़ दिया, देखो ये चल रहा है काम। तो दिखाते हैं चल के पहले उधर का, और देखो पानी के लिए यहाँ बीच में ये पाइपलाइन दी जा रही है, देखो यहाँ पर ये पाइपलाइन दी जा रही है ताकि जो ऊपर बायोडक्ट का पानी है दोस्तों वो नीचे ज़मीन में जा सके दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये मुरादनगर RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो हम यहाँ से क्रॉस होकर आ चुके हैं, और देखो किस तरीके से यहाँ पर ये फाउंडेशन बना के और किस तरीके से यहाँ पर ये जोड़ा गया है, तस्वीरें देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम किया गया है दोस्तों। देखो ये वॉकवे को जोड़ दिया ना एंट्री एग्जिट पॉइंट को, देखो यहाँ पर ये जोड़ दिया इससे स्टेशन से दोस्तों, और इधर अभी सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, स्टेयर बनाई जाएंगी इस जगह पर जो कि अभी नहीं बनी है दोस्तों, तो यही वर्क चल रहा है देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और रूफ टॉप बनाने का भी काम इस पर किया जा रहा है दोस्तों। देखो वो आधा हिस्सा बन गया और आधा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बन के दोस्तों, देखो देख सकते हो आप लोग, और उधर भी अभी काम चल रहा है, देखो वो भी जोड़ा जाएगा स्टेशन से एंट्री एग्जिट पॉइंट को, तो वहीं पर वो सेटिंग लगी हुई है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। ये पानी के लिए ही दोस्तों ये पाइप देखो दिए गए हैं, जो ये काफ़ी गहरे ज़मीन में हैं अंदर, और फिर जो जो ऊपर से बायोडक्ट का पानी आएगा बरसात का वो नीचे ज़मीन में धंस जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये बैरियर लगाए जा रहे हैं, देखो दोस्तों ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिस पर देख सकते हो यहाँ पर ये सारे में ही सेटिंग लगी हुई है, और ये स्टेशन से जोड़ने का काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, और यह है मुरादनगर RRTS का स्टेशन, देखो वहाँ पर वो स्टेयर भी बनाए जा रहे हैं, तो दिखाते हैं चल के आपको उस साइड से दोस्तों। देखो यहाँ पर यह काम किया जा रहा है, और इसमें देखो यहाँ पर ये तार डाले जा रहे हैं सरिये, देखो इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है दोस्तों, ये स्टेयर बनाए जा रहे हैं जिसका मैंने फाउंडेशन का काम पहले हुआ था वो आप सभी को मैंने दिखाया था, और अब देखो स्टेशन से ये वॉकवे जोड़ने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर देखो ये स्टेयर बनाने का काम किया जा रहा है जिस पर सेटरिंग लगी हुई है दोस्तों, ये देखो सरियाओं का जाल इन्होंने लगा दिया है और किस तरीके से बना रहे हैं तस्वीरें देख सकते हो। अब मैं उधर से देखो दोस्तों जो इसका रूफ टॉप बनाया जा रहा है मुरादनगर RRTS का स्टेशन, देख सकते हो यहाँ पर ये स्टील का स्ट्रक्चर को किस तरीके से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो, अभी इस साइड में नहीं जोड़ा गया है बस उस साइड में ही जोड़ दिया है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर बीच में सारा काम हो चुका है कंप्लीट, कौन कुछ बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गया, जो भी काम चल रहा है प्लेटफॉर्म लेवल पर ही चल रहा है दोस्तों मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर, और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो कितने हैवी क्रेन मशीन खड़े हुए हैं दोस्तों, और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।